दोस्तों आज हम जानेंगे कोविड-19 वायरस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की रिसर्च न्यूज इडियोक्रेसीपीडिया चैनल पे। तो आज की सबसे मेन न्यूज जो है वो एक कन्वर्सेशन है टफ्ट नाउस के बीच में और मारिया मार्ता गैगलिस के बीच में, जो प्रोफेसर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और उन्होंने कहा है कि कोविड के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। उसमें से सबसे पहली ये है कि जो कोविड-19 है वो एक सार्स वायरस है, सार्स फैमिली का वायरस है। सार्स का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ऐसे वायरसेस जो शॉर्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ क्रिएट करते हैं किसी की होस्ट बॉडी में, तो वो इस कैटेगरी इस फैमिली में आते हैं। तो उसमें से कोविड-19 है और उसका ओरिजिन चाइना का है जैसे कि आपको पता है। तो इसके चार सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं। इन चार सबसे इम्पॉर्टेंट वेरिएंट्स के नाम इस प्रकार हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड प्राइमरी, जो कि साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन और इंडिया में सबसे ज़्यादा अपनी तबाही फैला रहे हैं। और इन्होंने वायरस के बारे में कुछ शॉर्ट चीज़ें बताई हैं, तो वो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहली कि वायरस किसी की होस्ट बॉडी में इन्फ्लेबल सेल, मतलब जो कि ऐसे सेल जहाँ पर वो अटैक कर सके, और उन अटैक करने के बाद उन सेल को टेक ओवर कर लेते हैं। ये टेक ओवर करने के इसमें वो उस सेल के होस्ट आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी प्रोटीन के माध्यम से, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा का मतलब होता है मार्ता गैगलिया ने कहा ऐसा। ओके, तो जो भी ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये उनकी उन्होंने बताई गई चीज़ें हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि जो हमारा आरएनए और डीएनए होता है उसमें क्या फ़र्क हो सकता है। तो जो डीएनए होता है वो डायराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब इनमें फ़र्क ये है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक सीधी लाइन में आप उसे बोल सकते हैं, और उसमें एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन और थाइमिन, मतलब ACGT ऐसे नाम के प्रकार के चार केमिकल्स से ये बनाया जाता है। और दोनों में ये चारों केमिकल्स का यूज़ होता है, लेकिन डीएनए जो होता है डायराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इसके दो लेयर्स को जोड़कर और उसे हेलिक्स के फॉर्म में, मतलब हेलिक्स मतलब सर्कुलर फॉर्म में मर्ज करके बनाया जाता है। और जब आप डीएनए के बहुत बड़े टुकड़े को बहुत बहुत कॉम्पैक्ट साइज में मर्ज कर लेते हैं तो वो उसको आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वायरस के बारे में एक बहुत बेसिक चीज़ जो है कि वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब वो खुद से दो से चार से आठ नहीं हो सकते। उनको ये करने के लिए किसी की होस्ट बॉडी की ज़रूरत है। तो जैसे कोविड-19 की इसमें हमारी होस्ट बॉडी के जैसे काम करने वाला होता है हमारा लंग, मतलब फेफड़े की सेल्स। अब ये फेफड़ों की सेल्स में जाने के बाद रिसेप्टर से अटैच हो जाती है, जो इनके बॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेल्स के रिसेप्टर से अटैच हो जाती है। और अटैच होने के बाद वो अपना जो ये है जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है। अब होस्ट बॉडी में ट्रांसफ़र करने के बाद जो आरएनए होता है जो होस्ट बॉडी का, वो सबसे पहले किसी प्रोटीन के माध्यम से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी जो मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉपिंग की साइकिल है, मतलब जो होस्ट बॉडी की सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की साइकिल की जो मैकेनिज्म है वो टेक ओवर कर लेता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब करने के बाद वो अपने आपको उसमें रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करने के बाद वहाँ से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है मल्टीपल फॉर्म्स में, ठीक है। इसमें सबसे बहुत सही चीज़ उन्होंने एक चीज़ बताई है कि म्यूटेशन कैसा होता है। अब म्यूटेशन के बारे में मैं आपको जनरली बता दूँ, म्यूटेशन मतलब चेंजेस हो सकते हैं। तो वायरसेस में जो चेंजेस होता है वो उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होता है। जो आपको कोविड-19 के चार चेंजेस मिले हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा और प्राइमरी, तो ये उसके जेनेटिक मटेरियल में, मतलब आरएनए में चेंजेस होने के कारण। जब आरएनए में कोई चेंजेस होता है तब उसे म्यूटेशन कहा जाता है, मतलब म्यूटेट होना, मतलब चेंज होना, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा म्यूटेशन, ये जो हमारा कोविड-19 का जो म्यूटेशन होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस होते हैं, उस म्यूटेशन के कारण उस वायरसेस के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जो ये फैक्टर्स चेंज होते हैं ये होस्ट बॉडी को काफ़ी बेकार तरीके से अफेक्ट करते हैं। मतलब जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब कोविड-19 आया था तब वो फेफड़ों को डैमेज करने में कुछ 7 या 8 दिन का समय लेता था, लेकिन जब उसका म्यूटेशन हुआ और जब उसका सेकेंड वेव जब आई, जब उसके नए म्यूटेशन आए, जो कि हमारे इसमें आया था बीटा वर्जन जो आया था कोविड का, मतलब बीटा म्यूटेंट जो आया था, उसके कारण क्या हो रहा था कि जो उसके होस्ट बॉडी का अफेक्शन है, मतलब उस पर जो अफेक्ट हो रहा था, साइड इफेक्ट जो हो रहे थे उसके रेप्लिकेशन के कारण,
तो उसको होने में सिर्फ 2 दिन का टाइम लग रहा था, मतलब वो पावरफुल होकर आया। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूटेशन वर्क करता है। म्यूटेशन क्या होता है कि जीनेटिक मटेरियल को चेंज करने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा और बताया है। तो ये थी आज की रिसर्च न्यूज़, कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है इस चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।